हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट ग्लैम अप क्वीन। सो गाइस, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा DIY इंस्टेंट स्किन वाइटनिंग ब्राइटनिंग पैक, जिसकी हेल्प से आप अपनी पूरी बॉडी को वाइट एंड ब्राइटन और ग्लोइंग बना सकते हैं और स्पॉटलेस बना सकते हैं। इस रेमेडी को बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। इसमें मैंने जितने भी इंग्रीडियंट्स यूज़ किए हैं वो बहुत ही ज़्यादा नेचुरल और इफ़ेक्टिव है। आपकी स्किन पर कोई हार्म नहीं होगा, बल्कि आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम्स दूर होगी और आपको वाइट एंड ब्राइटन और ग्लोइंग स्किन मिलेगी। अगर आपकी स्किन में दाग धब्बे, एक्ने, पिंपल, झाइयों की प्रॉब्लम है, झुर्रियाँ हो गई है, टैनिंग हो गई है, आपकी स्किन पर कोई शाइन नहीं है और आप चाहते हैं कि आपकी स्किन पर इंस्टेंट ग्लो आ जाए, तो ये रेमेडी आप ज़रूर ट्राई कीजिए। तो अब बात करते हैं कि इस रेमेडी को बनाना किस तरीके से। इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसको बनाने के लिए आपको एक क्लीन बोल लेना है, जिसमें आपको 1.5 चम्मच कॉफ़ी पाउडर ऐड करना है। कॉफ़ी पाउडर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है स्किन के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके स्किन पर इंस्टेंट ग्लो आए, तो आप इस पैक को ज़रूर ट्राई कीजिए। और कॉफ़ी इंस्टेंट ग्लोइंग स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून चंदन पाउडर। आपको 1 चम्मच चंदन पाउडर ऐड करना है। चंदन पाउडर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आपकी स्किन पर अगर दाग धब्बे, एक्ने, पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो वो भी दूर हो जाएगी और स्किन वाइट एंड ब्राइटन हो जाएगी। अब आप इसमें 2 चम्मच रोज़ वाटर ऐड कर लीजिए, यानी गुलाब जल। आप इसमें 2 चम्मच गुलाब जल ऐड कर लीजिए। गुलाब जल आपकी स्किन को सॉफ्ट स्मूथ बनाएगा, डीपली क्लीन करेगा और स्किन को मॉइस्चराइज रखेगा। उसके बाद नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो मैं इसमें ऐड करूँगी वो है 2 चम्मच कर्ड, यानी दही। दही में लैक्टिक एसिड होता है, जिससे अगर आपकी स्किन पर झाइयों की प्रॉब्लम है, दाग धब्बे हैं, तो वो भी दूर हो जाएंगे। अब आपको इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स एक साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं और एक स्मूथ क्रीमी सा पेस्ट तैयार हो जाए, जो आपके फेस पर अच्छे से अप्लाई हो सके। और आपको ध्यान रखना है कि आपको इस पैक को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि इसमें कोई लम्ब्स ना रह जाएं। तो मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया और आप देख सकते हैं कि अब हमारा DIY पैक एकदम रेडी हो चुका है। और आपको ध्यान रखना है कि आपको इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल इसी तरीके की रखनी है, ना ज़्यादा थिक होनी चाहिए और ना ज़्यादा रनी होनी चाहिए, जो आपके फेस पर इजीली अच्छे से अप्लाई हो सके। तो ये है मेरा DIY इंस्टेंट स्किन वाइटनिंग ब्राइटनिंग पैक। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, इसके पहले यूज़ से आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो अब बात करते हैं कि इसे यूज़ किस तरीके से करना है। इसको यूज़ करने का तरीका बहुत ज़्यादा सिंपल है। यूज़ करने से पहले अपना फेस अच्छे से वॉश कर लीजिए, ताकि फेस पर जो भी डस्ट है, डर्ट है, रिमूव हो जाए। और उसके बाद आप फिंगर्स की हेल्प से अपने पूरे फेस पर इस रेमेडी को अच्छे से अप्लाई कर लीजिए। और आपको हल्के हल्के स्मूथली मसाज करते हुए इस पैक को अपने फेस पर अप्लाई करना है। आपको अपना फेस ज़्यादा रगड़ना नहीं है, बिल्कुल स्मूथली मसाज करनी है। ये देखिए, इस तरीके से मसाज करने से क्या होगा कि आपकी स्किन की डेड स्किन रिमूव होगी, साथ ही साथ स्किन का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, तो आपकी स्किन पर नेचुरल ग्लो आएगा। तो देखिए, इस तरीके से कम आपको 1 से 2 मिनट तक मसाज करनी है। अपने फेस पर ज़्यादा मसाज नहीं करनी है। कम से कम 1 से 2 मिनट तक अच्छे से मसाज करने के बाद आपको इस पैक को अच्छे से सूखने के लिए छोड़ देना है। कम से कम 15 से 20 मिनट सूखने के लिए छोड़ देना है। और उसके बाद नॉर्मल वाटर से अपना फेस अच्छे से वॉश कर लेना। इसके पहले यूज़ से आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपकी स्किन बहुत ज़्यादा वाइट एंड ब्राइटन हो जाएगी, शाइनी हो जाएगी और ग्लोइंग हो जाएगी। अगर आपकी स्किन में कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे एक्ने, पिंपल्स, दाग धब्बे, पिगमेंटेशन, झाइयों की प्रॉब्लम है, तो वो भी दूर हो जाएगी और आपको इसके पहले यूज़ से स्किन बहुत ज़्यादा शाइनी और ग्लोइंग मिलेगी। तो अच्छे से मसाज करने के बाद आप इस पैक को आप अपने हैंड्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं, अपने नेक पर भी अप्लाई कर सकते हैं, अपने नीज पर भी अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ पर भी आपको लगता है कि आपकी बॉडी में डार्कनेस हो गई है, आप इस रेमेडी को वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको अपने हैंड्स पर अप्लाई करके दिखा रही हूँ। आप अपने फीट पर, अपने लेग्स पर, अपनी नीज पर, अपने गर्दन पर भी अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ पर भी आपको लगता है बहुत ज़्यादा डार्कनेस है, आप वहाँ पर इस रेमेडी को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपकी पूरी बॉडी वाइट एंड ब्राइटन और शाइनी हो जाएगी। तो मैंने अपनी पूरी बॉडी पर, अपने हैंड्स पर, अपने फेस पर अप्लाई कर लिया और अब मैंने अपना फेस अच्छे से वॉश कर लिया। तो आप देख सकते हैं कि इसके पहले यूज़ से मेरी स्किन कितनी ज़्यादा क्लियर नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्मूथ फील कर रही है। इसके पहले ही उसे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो आप इस DIY रेमेडी को ज़रूर ट्राई कीजिए। इसके पहले ही उससे आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपकी पूरी बॉडी वाइट एंड ब्राइटन और शाइनी हो जाएगी। अगर आपके फेस पर दाग धब्बे, झाइयाँ, पिगमेंटेशन, टैनिंग की प्रॉब्लम है, तो वो भी दूर हो जाएगी और आपको वाइट एंड ब्राइटन और यंग स्किन मिलेगी।
तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मैं मिलूंगी आपको अगली नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।